नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। एक हसास मौजू के साथ आपका मेज़बान जामम निगंग आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त फितना सरायकिस्तान के ज़िला रहीम यार खान, तहसील सादिकबाद और ज़िला राजनपुर की तहसील राजनपुर की कच्चे की बेल्ट में डाकुओं के खिलाफ, अगवाकारों के खिलाफ बहुत बड़ा पुलिस ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि हर साल ये ऑपरेशन होता है। ऐन गंदम की बर्दाश्त के सीजन में तकरीबन अप्रैल का महीना होता है, लोग सवाल भी उठाने लगे हैं कि गंदम ही के सीजन में हर साल ये ऑपरेशन क्यों होता है। कुछ लोग तो बरमला ये पोस्टें भी लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये गंदम ऑपरेशन है। ऐसी भी मैं समझता हूं कोई बात नहीं है। डाकुओं के खिलाफ जोर शोर से ऑपरेशन होता है हर साल। कहा यही जाता है कि इस दफा पक्का ठक्का बंदोबस्त किया गया है, नोगो एरियाज को आजाद करवाया जाएगा, वहां अमन की बहाली होगी, वहां लॉ एंड ऑर्डर होगा, वहां आईन और कानून की जो है बालादस्ती होगी। लेकिन हर साल हम देखते हैं कि ऑपरेशन के दो तीन महीने बाद डाकू भाई दोबारा अपने अपने इलाकों में आ जाते हैं, पुलिस की चेक पोस्टों और चौकियों वगैरह पर हमले करते हैं। बाद अज़ां आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी सारी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू कर देते हैं। ये भी एक हकीकत है कि ऑपरेशन से कबल बड़े बड़े डाकुओं के जो गैंग्स हैं, गिरोह हैं, वो ऑपरेशन शुरू होने से पहले इलाका छोड़कर, कच्चे का इलाका छोड़कर पक्के के महफूज ठिकानों में चले जाते हैं। मुझे पीपल्स पार्टी के साबिक एमपीए सरदार मुमताज चांग की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बयान जो कुछ अर्सा पहले उन्होंने पंजाब पुलिस के खिलाफ दिया था, कि पंजाब पुलिस के बहुत सारे अफिसरान और एसएचओज ने कच्चे के इलाके में ज़मीनें खरीद कर रखी है, कुछ ने ठेके पर सस्ती ज़मीनें ले रखी हैं, वहाँ मुख्तलिफ फसलें काश की हुई है। मुमताज चांग का ताल्लुक खुद उस कच्चे की बेल्ट से है, एक ज़िम्मेदार सियासतदान है, बाखबर आदमी है। उनकी बयान करदा इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान में कितनी बेशुमार एजेंसियां हैं, यकीनन ये बात उनके इल्म में होगी। मैं ये हकीकत भी बताता चलूं कि जिला रहीम यार खान के बहुत सारे सनअतकारों और सरमायादारों ने कच्चे की बेल्ट में रहीम यार खान और तहसील रुझान का जो ज़रई बेल्ट है उसमें वसी जागीरें खरीद रखी है। वहाँ भी गंदम की बर्दाश्त तकरीबन ये पुलिस ऑपरेशन के दौरान ही होती है। बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी हार्वेस्टर्स के ज़रिए होती है। ये
इत्तेफाक है या बाकायदा किसी प्लानिंग का नतीजा है। पुलिस में काली भेड़ों की मौजूदगी भी एक हकीकत है, हमारी फोर्सेस को उन पर भी नजर रखनी चाहिए। हर साल होने वाले ऑपरेशन में हम सुनते हैं, देखते हैं कि कुछ डाकू हजरात मारे जाते हैं और अक्सरियत फरार होने में कामयाब हो जाती है। हमारे पुलिस के जवान कुछ शहीद होते हैं और बहुत सारे जख्मी भी होते हैं। मैं ऑपरेशन को फर्जी या मिली भगत वाला हरगिज नहीं कह सकता। ऑपरेशन हकीकी होता है, हाँ इसमें कमी कोताही लापरवाही और मुस्तकिल नोयत की अदम प्लानिंग जो है उसका फुकदान जरूर है कि वो इलाके जो वागुजार करा लिए जाते हैं डाकुओं से, चेकपोस्टें भी कायम कर ली जाती, वहां मुस्तकिल बुनियादों पर चेकपोस्टें चौकियां थाने कायम करके अमन को कायम क्यों कर नहीं किया जा सकता, क्यों कर नहीं किया जा सका अभी तक। ये हर साल ऑपरेशन एक नाकामी या जुजवी नाकामी तस्वर किया जाएगा। कामयाब ऑपरेशन तो वो ही होगा जिसके नतीजे में वहां लॉ एंड ऑर्डर, आईन और कानून की बालादस्सी और अमन की बहाली होगी। जहां तक डाकुओं का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, उन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए। इस दल दल में उन्हें धकेलने वाले कौन हैं? जो इस दल दल से निकलना चाहते हैं उन्हें फिर धक्का देने वाले कौन हैं? सरपरस्ती करने वाले कौन हैं? कभी सरपरस्तों का किसी ने कोई नाम ले लिया, उन्हें अपनी गिरफ्त में नहीं लिया, क्यों? वो डाकू जिनके पुलिस के साथ याराने हैं, जो वडेरू सनतकारों की जेरे सरपरस्ती में हैं, वो तो हर साल बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बागी नौयत के डाकू जो हैं उनमें से कुछ मारे जाते हैं। क्या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? सियासत खेलें की तरह क्या ये ऑपरेशन खेलें का खेल यूं ही जारी रहेगा, या इस कच्चे की बेल्ट में अगवाकारी डगेटी के सिलसिले यूं ही जारी और सारी रहेंगे? सुना है कि इस बार बहुत बड़ा ऑपरेशन, पुलिस ऑपरेशन डाकुओं के खिलाफ हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद और लाहौर से और दीगर इजला से भी पुलिस को मंगवाया गया है, हैवी किस्म का असला, बख्तरबंद गाड़ियां भी ऑपरेशन के अमल में शरीक हैं। हाँ, मुझे याद आया कि एक दफा पहले भी जोर शोर से बहुत बड़ा
ऑपरेशन हुआ था छोटू गैंग नामी के खिलाफ, जिसके नतीजे में छोटू डगेट भी गिरफ्तार हुआ। उसके केसेस और छोटू कहाँ हैं, केसेस किन मराइल में हैं, मीडिया इस हवाले से खामोश है, कोई अपडेट फराहम नहीं की जा रही। हम समझते हैं कि इंतजामिया और हुक्मरान इस्तकामत के साथ, ठोस किस्म की प्लानिंग के साथ जरायम और जरायम पेशा नासर के खिलाफ इकदामात करेंगे, अवाम सुख का सांस लेंगे। ये कच्चे की बेल्ट में जो धंधे और माफियाज के जो कारोबार हैं, मिली भगत से चल रहे हैं, इनका भी खात्मा होगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक ताला पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारी फोर्सेस को ऑपरेशन में कामयाबी अता फरमाए, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो, अमन का बोलबाला हो। आमीन सुमा आमीन।